तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है उसमें क्योंकि हम वी आर गेटिंग क्लोजर टू द डेटा प्लेन नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, तो डेटा प्लेन नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल में बेसिकली जो हमारे नैड हैं मेड बी अ स्विच और मे इट बी अ वाईफाई एपी जो कि बैकएंड पे कनेक्टेड है विद वायरलेस लैन कंट्रोलर, या हमें एक्सेस एपी से मिले या हमें एक्सेस एक वायर्ड स्विच से मिले, इन बोथ केसेस हम अपने क्लाइंट को अब ऑथेंटिकेट ऑथराइज और अकाउंट करने जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल नैक। सो अब ये जो ट्रिपल ए हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑन द डेटा प्लेन। सो फ्रॉम दिस डेटा प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो आइस सर्वर है या आइस की जो पीएसएन है उसकी कम्युनिकेशन नैड के साथ और इसी कम्युनिकेशन के ऊपर उसकी ट्रांजैक्शन एंड यूजर के साथ ये भी अब शामिल हाल हो जाएगी। इससे पहले जब हमने मैनेजमेंट प्लेन की डिस्कशन की थी तो उसमें सिर्फ नैड था जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता था विद आइस। एंड यूजर जो स्विच में लॉगिन होने की कोशिश करता था उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आइस तक डायरेक्टली नहीं जाती थी। वो जो नैड है जो ऑथेंटिकेशन डिवाइस है वो ट्रांसलेट करती थी जो यूजर नेम और पासवर्ड आप देते थे इनटू रेडियस प्रोटोकॉल और आइस इनटू टेकएक्स प्रोटोकॉल और उसकी बेस पे आप ऑथेंटिकेट होते थे। ये जो डेटा प्लेन है इसमें नैड विल एक्ट एज अ मिडल मैन ओनली, और एक्चुअली आपका जो एंड यूजर है उसकी और आइस की ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन होनी है आपस में, और ये जो ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन है एंड टू एंड आइस और एंड यूजर के दरमियान में जिसका ट्रांसलेटर ये नैड होगा ये ट्रांसलेट करेगा, बट मुखातिब एंड यूजर विद आइस होगा। तो इसके अंदर जाहिर है फिर इस कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, दिस कम्युनिकेशन शुड बी सिक्योर इनफ ताकि कोई इसको टैप ना कर सके और इसके अंदर कोई मैन इन द मिडल दाखिल ना हो सके। सो फॉर दैट मैटर अब सिक्योर कैसे किया जाए हमने डिस्कशन की, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाए, फिर क्रिप्टोग्राफी के जरिए हमें जो मिलेगी वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। क्रिप्टोग्राफी दो टाइप्स की है, सिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है, इस पर बात हमने कर ली। फिर हमें हैशिंग की मदद लेनी चाहिए, हैशिंग से हमें जो चीज मिलती है वो है इंटेग्रिटी। सो रीडेबिलिटी की प्रोटेक्शन और मॉडिफिकेशन की प्रोटेक्शन, दिस इज रीड प्रोटेक्शन एंड दिस थिंग इज मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन। सो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी के साथ अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना है, और ऑथेंटिकेशन किस तरह की जा सकती है, वी कैन यूज यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड मोर मेथड्स टू गेट आवर सेल्फ ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम आइस। सो क्रिप्टोग्राफी का रोल है कॉन्फिडेंशियलिटी देना, हैशिंग का रोल है इंटेग्रिटी देना, और डिजिटल सिग्नेचर्स पर बात हमने खत्म की लास्ट टाइम। और डिजिटल सिग्नेचर्स हमने ये देखा कि ये आपको नॉन रेपुडिएशन प्रोवाइड करते हैं। नॉन रेपुडिएशन का मतलब ये है कि कोई भी सेंडर अपने डेटा से जो उसने सेंड किया भले उसने कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ सेंड किया इंटेग्रिटी के साथ सेंड किया उसने अपने आप को ऑथेंटिकेट भी कराया, बट हैविंग सेड दैट फिर भी वो ये चीज कह सकता है कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन है ये तमाम
मैंने तो की ही नहीं, इट वॉज नॉट मी, तो उस चीज का जो एश्योरेंस है वो डिजिटल सिग्नेचर्स के जरिए कायम की जा सकती है। इसी चीज को लेकर हम आगे और बढ़ेंगे आज, और डिजिटल सिग्नेचर्स में ये तमाम इंग्रेडिएंट इटसेल्फ इस्तेमाल होते हैं, यानी इन तीनों के इस्तेमाल से ही हम एक और रेसिपी तक पहुंचते हैं कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर्स। और डिजिटल सिग्नेचर्स क्या थे हमने डिस्कस किया, एक दफा हम डिजिटल सिग्नेचर्स को रीकैप कर लेते हैं एंड वी मूव ऑन। सो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में वी हैव अ पब्लिक की विच इज लेट से PB एंड वी हैव अ प्राइवेट की विच इज PR। अच्छा, जो पब्लिक की है इसका यूज क्या है? पब्लिक की का जो यूजेज है दैट इज एनक्रिप्शन, और प्राइवेट की का यूजेज है डिक्रिप्शन। तो इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है। बिकॉज जो भी डेटा पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया जाएगा उसको दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जिसके पास उसकी प्राइवेट की है। और यूजुअली जो हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं और उसमें दो करेक्टर्स ले आते हैं, एलिस और बॉब, अगर हम उसी डिस्कशन को लेकर चलें, सो वी हैव एलिस एंड बॉब। अब अगर इसने कोई डेटा एलिस को सेंड करना है सिक्योरली, सिक्योर डेटा एक्सचेंज, अगर बॉब ने एलिस को सिक्योरली डेटा सेंड करना है तो बॉब के पास क्या होना चाहिए? पब्लिक की ऑफ एलिस। सो जब बॉब के पास एलिस की पब्लिक की होगी तो ये उससे डेटा इनक्रिप्ट करके एलिस को सेंड कर देगा, और उस डेटा को डिक्रिप्ट एलिस ने अपनी प्राइवेट की के साथ करना है, और प्राइवेट की कभी भी एलिस ने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। लिहाजा इफ बॉब हैज द पब्लिक की ऑफ एलिस, बॉब कैन इनक्रिप्ट डेटा यूजिंग पब्लिक की ऑफ एलिस एंड सेंड इट टू एलिस with the confidence that nobody else called man in the middle can see this information, can decrypt this information, assuming the fact that Alice has got its private key and it was not shared with anyone and it is not compromised, assuming that. Lehaza, public key se encryption ki gayi aur private key ke saath decryption ki gayi. ये हमें देती है सेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमें सेंस ऑफ सिक्योर डेटा एक्सचेंज देती है, ये जो यूजेज हमने डिस्कस की है।